भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट नेता, जो भ्रष्ट ठेकेदार के मैं ऊट कहना, जब ठेकेदार ने खाक हराम कर दिया। ठेकेदार रोड है जो अंदर का जो मटेरियल है, मटेरियल इस तरह से भराता है या नहीं भराता है, आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बताइए कैसा है। देखिए रहे हैं बहुत खराब है, खराब। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज, आप सभी का स्वागत है। तो देखिये आज मैं एक जंगली क्षेत्र में आया हुआ हूँ और जो ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, थोड़ा नीचे दिखा दो, नीचे जो ये रास्ता दिख रहा है और ये जो पुल आपको दिख रहा है, पुल जो ये दिख रहा है, ये जो अगर इसके आगे जाइएगा तो ये पूरा जंगल होते होते झारखंड में जाके जुड़ेगी, अंबाखर नवाद और सीधे एकदम चतरा होते हुए झारखंड में चली गई है। और इस तरफ अगर अब मैं आपको बता दूं तो ये सगडीहा होते हुए रोशनगंज जाके मेन रोड से जुड़ी है। तो मतलब मेरा बताने का ये मकसद है कि आप देख रहे हैं कि कितना दिन पहले ये रास्ता बना है और क्या स्थिति, ये रोड का क्या जर्जर स्थिति हो गया है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज मिलाया गया है, ठेकेदार इंजीनियर क्या इसमें मिक्सिंग करके बनाया है कि जो कुछ ही महीनों नहीं चला है और पूरा रोड तहस नहस हो गया है। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया से कम्पैक्ट भी नहीं किया है, क्योंकि इसको पहले पत्थर देने से पहले, ये रोड को स्टार्ट करने से पहले इसको बढ़िया से कम्पैक्ट करना चाहे, रोलर से इसको कम्पैक्ट करना चाहे, लेकिन ये चीज नहीं करके डायरेक्ट खाली मिट्टी का भराव कर दिया है। तो अब देखिए, और लगता है कि एकदम हल्का हल्का यहाँ पे पीच दिया हुआ है, देखिए एको इंच में पीच अभी नहीं है। तो आप देखिए कि कितना ऐसा एकदम मिनिमम थोड़ा सा पीच डाला गया है। तो अब बता सकते हैं कि कितना रोड कितना दिन तक चलेगा। तो भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट नेता, जो भ्रष्ट ठेकेदार के मैं ऊट कहना चाहता हूं कि जो आप लोग इस तरह से जो मेरा बिहार का जो बर्बाद कर रहे हैं, से प्लीज आप लोग सुधर जाइए, कुछ इसको सुधार करना है, बिहार को आप लोग सुधारिए। तो अब देखिए, और इससे इतना बेहतर रास्ता हो गया था, इतना खराब रास्ता हो गया था कि दो दिन पहले ही शायद यहाँ पे लाके बोल्डर भरा गया। देखिए एक भाई है, ये जो पुल बना है, रोड बना है, कितना दिन पहले बना है? हो गया पाँच छह महीना। हाँ। और पाँच छह महीना तो पुलवा बना, रोडवा क्या बना था? रोडवा हो गया दो तीन महीना। हाँ। तो अब देखिए यहाँ के लोकल जो भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि दो तीन महीना सिर्फ खाली रोड के बना हुआ है अभी टाइम, और रोड की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना जर्जर स्थिति हो गया है। यहाँ पे जो पत्थर जो भराया है उसको दिखा, जो पत्थर जो भराया है कितना दिन पहले भरा है? या भी हम लोग पता ना कहना भराया है, कल या परसों भराया है। यस, यहाँ पे जो रोड था एकदम पूरा जर्जर हो गया था। यस, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरफ देखिए कि कितना एकदम पूरा यहाँ पे जो बोल्डर भर दिया गया है, क्या सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी के निभा दिया गया है कि रोड को सही सलामत कर दिया गया है और ठेकेदार फंड से निकाल लिया। अब देखिए कि यहाँ बढ़िया से इस तरफ भी पूरा कम्पैक्ट नहीं किया गया है। अब बताइए कि यहाँ से पानी अगर जाएगी तो इसको धीरे धीरे मिट्टी का अपरदन करते जाएगा। और बिहार में तो आप लोगों का मालूम है कि पुल कितना मात्रा में, अधिक मात्रा में ही यहाँ पे गिर जा रहा है, अधिक संख्या में पुल एका से एक ढहते जा रहा है। यही घर भाई? हाँ। क्या नाम है? सुजीत कुमार। कितना दिन पहले ये पुलवा बना था? हो गया छह महीना। और रोडवा कितना दिन पहले बना है? चार महीना। जी, तो देखिए कि कितना दिन पहले रोड बना, कितना जर्जर स्थिति ये रोड के हो गया है, और यहाँ के जो आम नागरिक हैं कितना उन लोग का मुश्किलें झेलना पड़ता होगा। तो देखिए, और यहाँ के जो भैया निवासी हैं, तो मैं देखिए यहाँ पे क्या चीज भर गया है। देखिए तो सिर्फ खाली बालू ही भर दिया गया है, और जो अथी है, जो पीच भी दिया गया है, से एकदम मिनिमम मात्रा में दिया गया है। तो देखिए कि कितना, देखिए ये क्या है, देखिए तो हाथ से मरने पर ये पूरा एकदम भुरभुरा बन जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि अगर भारी व्हीकल आएगा, भारी कोई गाड़ी आएगा, तो कितना इस पे लोड सहेगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए कितना इस पे एकदम छूट रहा है, तो आप लोग जरूर इस पे केयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए यहाँ के एक लोकल निवासी है, कहाँ से है? बैताल के हैं। ओ अच्छा, बैताल के हैं, नजदीक के हैं। तो क्या ये जो पुल बना, ये जो रास्ता बना है, कितना दिन पहले बना है? चार पाँच महीने पहले। तो अभी जो रोड की स्थिति है कैसा है? देखिए रहे हैं बहुत खराब है। खराब है क्या? ये पुलवा का उद्घाटन हुआ है रोडवा के अभी? क्या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है रोड का उद्घाटन, अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो क्या बिहार में इस तरह से हर जगह पे यही देखा जा रहा है कि उद्घाटन से पहले पुल ढहा जा रहा है, मालूम है? हाँ।
क्या इसमें किसका लापरवाही है? कोई तो उसी को पहले नहीं बना कर उद्घाटन नहीं कि वही ना लापरवाही हुआ। अगर कहा से अगर पहले इसमें मटेरियल अच्छा दे रहा था, अच्छा रेशियो में दे रहा था तो अभी अच्छा रहता। अभी उतना जल्दी खराब नहीं होता, होता लेकिन उतना जल्दी खराब नहीं होता। तो क्या रोड बना इतना जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। अब खराब हो गया ये तो ठेकेदार जानेगा, और ठेकेदार जो काम कराया वो जानेगा, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, चलते हैं और चलना चाहते हैं बढ़िया पास, और बढ़िया ने आज हम लोग के देख रहे हैं कि तुरंत रोड बना और तुरंत आज गड्ढा आ रहा। गड्ढा हो गया, गड्ढा तुरंत हो गया, 4 महीना पहले बना है, उद्घाटन भी पुल के नहीं हुआ, पुल रोड खराब हो गया। रोड खराब देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिन ही पहले ये रोड बना है और ये पुल अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि रोड का जो स्थिति है कितना जर्जर स्थिति हो चुका है कि यहाँ पे शायद लगता है कि अगर रोलर से अगर इसको कंपैक्ट करता है, इस पे अगर भारी लोड से अगर कंपैक्ट करता तो अच्छा खासा रहता, लेकिन इस पे कंपैक्ट ना करके डायरेक्ट खाली मिट्टी का फुल फिल कर दिया गया है। और इस पे जैसे ही अगर भारी व्हीकल आया, लोड व्हीकल आया, तो रोड का आप स्थिति देख सकते हैं कि देखिए ये धीरे धीरे दरारें पड़ते जा रहे हैं। तो आप इस तरफ देखिए कि कितना इसमें कितना मटेरियल इसमें डाला गया है कि अभी क्या है। देखिए तो हाथ से तो मरने पर ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर भारी व्हीकल आवेगा, भारी लोड गाड़ी आवेगा, तो ये रास्ता के क्या स्थिति हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भैया लोग हैं, सभी लोकल हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ। तो बाबा रोड पर चले मजा आवा है? मजा हो तो सर सामने ना हुआ बाबू, देखे सब गाटी उटी सब फट गए यार। नी हाँ, कितना दिन पहले रोड बनना है? कितना दिन लगा? 2-3 महीना हो गए। आपका 2-3 महीना हुआ है? तो क्या कहेंगे इसे कि सरकार ऐसे ही मैंने जो ठेकेदार काम केस ठीक किया है, ठेकेदार काम ठीक किया था, ऐसे कैसे हुआ? हाँ, जो खराब करके चल गया है, खराब करके चल गया है। हाँ, तो अब बताइए कि इसमें पैसा किसको लगता है, सरकार के बाबूजी के लगता है या ठेकेदार के बाबूजी के लगता है, कि हम लोग के लगता है पैसा इसमें? जो लगता है सरकार के, सब ठेकेदार ने खा के हराम कर दिया। ठेकेदार के नहीं लगता, हम लोग का पैसा लगता है इसमें बाबा? तो लगता है तो अब कहाँ बना इस चीज? हाँ, जब बना रहता तब ना उसको नाम रहता। सब पैसा एकदम घुसखोर लो, एकदम लूट के यहाँ से लेके चला गया। चला गया। हाँ, किसी तरह से फॉर्मेलिटी खाली निभा देना है कि रोड बना दिए, पुल बना दिए, पुल बना दिए जी। तो देखिए आइए, और भाई लोग हैं, भाई मैं इन सब से बात करते हैं। आप यहीं के हैं भैया? जी हाँ, मैं तो यहीं के हूँ। ये रोड कितना दिन पहले बना है? ये मार्च में लमसम मतलब काम खत्म होगा, मार्च से 2-3 महीना हुआ रहा। 2-3 महीना सिर्फ? खाली 2-3 महीना हुआ है? हाँ। क्या उद्घाटन ना हुआ? पुल चालू हो गया, रोड चालू हो गया, और उद्घाटन से पहले ही रोड धस भी गया। उद्घाटन से पहले ही पुल धस गया जी। आप थोड़ा सा नीचे उतर जाइए। टेम्पू लेके जाता है सब पैसेंजर के उतार के लेके जाता है तो सब चलेगा यहाँ ठीक, यानी नीचे चला जाएगा? हाँ, टेम्पू चला जाएगा नीचे, ऐसा रोड बनल है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कहती है कि मैं गरीब के हित में काम करते हैं, गरीब के भलाई के लिए काम करते हैं, और यहाँ पर तो गरीब के खून चूसा जा रहा है, कितना लूटा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक यहाँ पे कोई मंत्री विधायक के एमएलए एमपी यहाँ पे आएंगे, सिर्फ इस गरीब तख्ते के लोग ही इस तरह से गुजरेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे ऑटो टोटो जाएगी, अगर किसी तरह से 800 का अगर ऑटो पलट जाती है तो हम लोग गरीब का सब जान जाएगा। जो दूर पहले हम लोग छुरे जान के गाड़ी पुछड़िया के गिरा दिया, 2 टेलर कितना टेम्पो उल्टा जाता, यानी ऑटो तो चलबे नहीं करता था इस पर जी, इतना मैंने रद्दी रोड। हाँ, इतना रद्दी रोड हो गया था जी। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के दबाव देने पर थोड़ा थोड़ा कुछ ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बोल्डर भर दिया गया है, देखिए आप बताइए कि इसको बोल्डर भरना चाहिए यहाँ पे, जो रोड देके अच्छा से मरम्मत करना चाहिए, और वो न करके यहाँ पे बोल्डर भर दिया गया, इससे भी डैमेज हो सकता है, अगर टोटो का अनबैलेंस होगा तो जाहिर है। तो आप देख ये भी देख सकते हैं कि कितना यहाँ इस तरफ गड्ढा है, अगर मान ले कि थोड़ा भी अनबैलेंस होगा तो गड्ढा में एकदम बहुत नीचे चला जाएगा, और कितना मासूम लोग के जान यहाँ पे जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह भी देखिए इसको बढ़िया से इसको, मेरा यहाँ नानी घर है। तो आप यहीं के रहते हैं? हाँ जी। तो रोड का जो स्थिति है कैसा है? बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। कितना दिन पहले ये लगभग बना था? ये लगभग 6 महीना शायद पहले बना, 6-8 महीना पहले, और ये जो है इसको शायद लगता है इसको सही ढंग से इसको मिट्टी को दबाया नहीं गया है, और यही कारण है कि
यहाँ पर मिट्टी धस गया है, तो अगर जो जो ठेकेदार यहाँ पर है वो हो सके तो यहाँ पर आकर के लगातार ये पुल को देखे कि क्या हालत है, ये देखना चाहिए, ये पुल बनाने वाले की गलती है, वो ये चीज को देखना चाहिए। हम लोग का जगना पड़ेगा, बिहार वासियों के जगना पड़ेगा ना, ऐसा ऐसा लुटेरा लोग बैठे हुए कि मेरा बिहार का पूरा लूट के एकदम लेके चले जाएंगे। ये तो बिहार के समझिए कि एक प्रॉपर निशानी है करप्शन, वही कारण है कि एक एक पुल हो गया और एक जो ताराडी और रोशन रीटमा के बीच बना है उसका भी पुल का भी यही हाल है, इससे भी बदतर वहां है, ठीक है, तो वहां पर भी पुल जो है उसको भी मरम्मती का कार्य हमेशा करना चाहिए। और वहां पर जो पुल बना हुआ है उसका ऊंचाई जो देखा जाए बहुत काफी ज्यादा है, जिससे मालिक वहां से ढलान जो है जो आता है वो बहुत जिसको बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेट है, खड़ा है, जो लेवल है वो इसका बहुत टेम्पर है। हाँ, मतलब जो ढलान होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो जो पुल जो भी बनाया गया है इसमें काफी लापरवाही किया गया है पुल बनाने में जी। तो देखिए और मैं आपको दिखाते हैं कि ये जो रोड के कितना जर्जर स्थिति। तो देखिए एक इधर इस तरफ ऑटो आ रही है, देखिए एक ऑटो आ रही है इधर, तो आप देख सकते हैं कि देखिए आइए आते रहिए। तो देख सकते हैं कि देखिए चक्का गए, देखिए अगर थोड़ा सा अनबैलेंस अगर इधर होगा चाहे तो फिर उस तरफ होगा तो ऑटो एकदम जाहिर है कि पलटेगा। है भैया सवारी जब लाते हैं तो कितना सतर्क होके लाते हैं? बहुत सतर्क रहना पड़ता है सर। हाँ, थोड़ा सा अगर मिस हुआ तो डैमेज हो सकता है, यानी ऑटो पलट सकता है। हाँ, पलट सकता है। और कितना मासूम लोग के जान भी जा सकता है। कई बार यहाँ गाड़ी पलटी हुआ नहीं है, गाड़ी पलट भी गए। हाँ, टक्कर भी है। कई दिन हो रहा है, दो तीन महीना होगा। दो तीन महीना? हाँ, फिर भी खराब हो गया इतना जल्दी। दो तीन महीना ही हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या दो तीन महीने में जो पीच वाला रोड होता है वो खराब होता है। और वहाँ उस तरफ वहाँ पे देखिए कि उस तरफ जो बोल्डर बिछाया गया है, तो आप देखिए तो कितना बड़ा बोल्डर यहाँ पे बिछाया गया। और खास करके यहाँ ये दिक्कत है जस्ट चढ़ान है, अगर चढ़ान पे अगर बोल्डर पे जाएगा चक्का और बोल्डर से ये थोड़ा भी कलट हो गया तो ऑटो जाहिर है कि यहाँ पे पलटेगा ही पलटेगा। तो ये जो है ऐसे क्या कोनो विधायक मंत्री के बेटा ऐसे में गुजरता है या मंत्री विधायक गुजरता है? नहीं, वो उद्घाटन का टाइम आया होगा तो आया होगा, नहीं तो नहीं आया। उद्घाटन हुआ ही पुलवा के? पता नहीं होता नाम को। क्या उद्घाटन हुआ? उद्घाटन तो नहीं हुआ। देखिए उद्घाटन भी नहीं हुआ, रोड का क्या स्थिति हो चुका है? बहुत खराब हो गया, हम लोग परेशान है, रोज आते जाते रोज आते जो म्युनिसिपल मैनेजर जो रहता था वो बोला है कि मतलब हम 5 साल तक के लिए गारंटी लेते हैं, है, और जहाँ तक बिगड़ेगा वहाँ तक हम बना सकते हैं। है, 2-3 महीने के बाद में मतलब जो आने वाला महीना माह है तो पिच करण हम करके जाएंगे। कितना यहाँ पे दिखते से यहाँ पे ऑटो पार हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि कितना दिक्कत है। क्या मुझे बोला कि पानी बारिश हुआ इसके वजह से मतलब धस गया है, इसके लिए हम उपलब्ध हूँ करने के लिए। अगर धस गया, अगर इसको पहले ही अगर इस पे लोड देकर धसा दिया गया रहता तो इस कंडीशन अभी नहीं होता। खैर तो हम देखते थे कि पाइप वगैरह लेकर के मतलब पानी सब मारते थे पहले। हाँ। लेकिन उतना जो नया मिट्टी था इसकी वजह से मतलब नहीं बैठ पाया, ठीक ना। अब फिर जब फोन करते हैं तो मतलब मिंटल वगैरह जो आया है आपको तो देख करके गया है। तो आप बताइए कि यहाँ पे बोल्डर देना चाहिए था कि यहाँ पे पीच देना चाहिए था? पीच नियम तो कहता है पीच के लिए, लेकिन नहीं दे पाया। हाँ, तो ये सब लापरवाही बोले कि हैवा से आएगा, मतलब छोटा गिट्टी आएगा, लेकिन आ गया मिंटल। यानी अब देखिए यहाँ पे इतना एकदम स्लोप कर दिया गया है, इतना का अब बताइए कि इतना स्लोप कभी हो सकता है रोड? इतना स्लोप तो आज तक भराइया नहीं होगा जब तक कोई उपाय नहीं है जी। भराइया होगा मतलब बैठाया जाए तभी अच्छा हो सकता है, ना तो ऐसे नहीं होगा जी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग इतना स्लोप रोड पे कभी घूमे हैं या नहीं घूमे हैं, और जो इसका जो ये रोड है जो अंदर का जो मटेरियल है, मटेरियल इस तरह से भराता है या नहीं भराता है, आप लोग कमेंट करके जरूर एक बार बताइए। और मेरा बिहार को सुधारना है तो हम लोग के सभी का एक ग्रुप में एक जुट होकर के बिहार के लिए आवाज उठाना होगा, तभी बिहार को सुधार पाएंगे हम लोग। जय हिंद।